ऑल राइट गाइस, तो अभी के टाइम पे हार्दिक पांड्या एंड सूर्य कुमार यादव को लेकर दो बड़े रिपोर्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को रिलीज कर देंगे, ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज बन चुका है। अब देखो यार, इसके अंदर कितना सच्चाई है कितना झूठ है मुझे पता नहीं। बाकी अगर बात करें मेरे तो भाई देखो, मैं तो नहीं बोलूंगा कि भाई हार्दिक पांड्या को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि भाई आप लोगों को पता होगा पिछले साल हार्दिक भाई के साथ क्या क्या हुआ था। एंड ये सब कुछ हुआ था भाई साहब इस वजह से क्योंकि भाई वो दोस्तों गुजरात टाइटन्स से सीधा मुंबई पर आ गया था एंड मुंबई का कप्तान बन गया था। तो इसलिए भाई पिछले साल बहुत सारे लफड़ा वगैरह हो चुका है। तो अगर फिर से एक बार सेम चीज हुआ है ना, हार्दिक पांड्या फिर से एक बार गुजरात पे चला गया, ये जो सामने मेगा ओकेशन आ रहा है उसके अंदर भाई बहुत कुछ उलट पुलट हो सकता है, ठीक है। बट अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई ये बहुत ही बुरा होने वाला है, ठीक है। एंड बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो भाई आपको पता होगा सूर्य कुमार यादव जो है ना अभी इंडिया टीम का कप्तान बन चुका है, T20 का कप्तान यहां पर बन चुका है सूर्य कुमार यादव। तो भाई मुंबई जो टीम है ना, ये ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई अगर इंडिया टीम का कप्तान हो चुका है सूर्य कुमार यादव, तो क्या भाई सब सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस का भी कप्तानी कर सकता है। अब देखो यार, इसके ऊपर आप लोगों को क्या लगता है नीचे एक बार कमेंट करके बता दो कि आप लोग चाहते हो कि भाई हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से निकल के फिर से एक बार गुजरात टाइटन पे चला जाए एंड दोस्तों सूर्य कुमार यादव यहाँ पर मुंबई इंडियंस का कप्तान बन जाए। क्या लगता है आपको, नीचे एक बार कमेंट करके बता दो।